छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात आईपीएस अंकिता शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई हैं। इससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की महिला विधायक शकुंतला साहू को शालीनता का पाठ पढ़ाकर सुर्खियां बटोरी थी। अब उनका नाम जरूरतमंद बच्चों को मदद देने के लिए चर्चा में आया है। अंकिता हफ्ते भर अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहती हैं और रविवार के दिन एक शिक्षिका की भूमिका में आ जाती हैं। उनका ऑफिस ही उनकी क्लासरूम बन जाता है। यहाँ वीकेंड पर करीब 20 से 30 ऐसे युवाओं की कतार लगी रहती है जो राज्य के अलग अलग हिस्सों से हैं और लोक सेवा आयोग यानी UPSC की परीक्षा पास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर युवा ऐसे हैं जो दिल्ली या किसी बड़े शहर में किसी महंगे कोचिंग संस्थान की फीस वहन नहीं कर सकते। यह सभी बेहद साधारण परिवारों से हैं, लेकिन इनकी आंखों में असाधारण सपने हैं। IPS अंकिता शर्मा पुलिस विभाग में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ इन युवाओं को सही दिशा देने में लगी हुई हैं। अब आपको बताते हैं अंकिता शर्मा क्यों बनी युवाओं की मार्गदर्शक। IPS अंकिता शर्मा शुरू से ही जुझारू रही हैं। उन्होंने जब UPSC परीक्षाओं की तैयारी शुरू की थी तब उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी परीक्षा की तैयारी के दौर की बातें याद आती हैं। उस समय वे परेशान रहती थीं कि परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है, इसका सही मार्गदर्शन मिले। जब अंकिता खुद परीक्षा के दौर से गुजरी और सफल हुई तो उन्हें महसूस हुआ कि अभी बहुत से युवाओं को इसी तरह के मार्गदर्शन की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, जो युवा UPSC की तैयारी कर रहे हैं अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत है तो वे रविवार सुबह 11 से दोपहर 1 के बीच आजाद चौक थाने में उनसे मिल सकते हैं। इस मैसेज के बाद उन्हें लगातार परीक्षार्थियों के फोन आने लगे और ऐसे उन्होंने इस सराहनीय कार्य की शुरुआत की। अब आपको बताते हैं परेशानियों से जूझते हुए IPS अंकिता को कैसे सही दिशा मिली। राजधानी रायपुर के आजाद चौक इलाके में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ अंकिता बताती हैं वे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित एक छोटे से गांव से वास्ता रखती हैं। शुरुआती शिक्षा अंकिता ने अपने गांव के सरकारी स्कूल से हासिल की। हाई स्कूल की पढ़ाई के वक्त अंकिता ने यह जाना कि जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक और पुलिस के पदों पर पहुंचने के लिए UPSC की तैयारी करनी होती है, लेकिन तब उन्हें इस विषय के बारे में मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। अंकिता आगे बताती हैं, मन में इस पद तक पहुंचने की ललक उसी वक्त पैदा हो गई थी, लेकिन सही रास्ता न मिलने की वजह से दिक्कतें भी आईं। इसके बाद अपने आप रास्ते बनने लगे। अब बात करते हैं IPS अंकिता ने कैसे निकाली थी कांग्रेस विधायक की हेकड़ी। छत्तीसगढ़ के कसडोल से कांग्रेस की महिला विधायक शकुंतला साहू उन दिनों सीमेंट की फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत पर अपने समर्थकों के साथ धरना दे रही थी। वहीं ट्रेनी IPS अंकिता शर्मा धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शांत करने का प्रयास कर रही थी। तभी विधायक शकुंतला साहू और अंकिता शर्मा के बीच कहासुनी हो गई। विधायक शकुंतला साहू ने अपना आपा खो दिया और IPS अंकिता से कहा, ठीक से रहो वरना तुमको औकात दिखा दूंगी। अंकिता शर्मा ने तब विधायक को शालीनता का पाठ पढ़ाते हुए कहा, औकात जैसी बात मत कीजिए और जहां फोन लगाना है लगा लीजिए, मैं किसी से डरती नहीं। नहीं तो आपका कितना औकात है, हम भी दिखा देंगे। मेरी औकात के बारे में बात नहीं करना मैडम। नहीं तो क्या बोले के बारे में बात नहीं करना। पुलिस वाले डिपार्ट को बोलिए कि अभी तक मैं किसी का कुछ बोले नहीं। सोशल मीडिया पर इस मामले की काफी चर्चा हुई थी और लोगों ने अंकिता की जमकर तारीफ की थी। इस वाकये का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है IPS का स्वैग। अंकिता अपने कामों के अलावा लुक को लेकर भी चर्चा में रहती हैं और इंस्टाग्राम पर अक्सर स्टाइलिश फोटोज शेयर करती रहती हैं। उनके फैन फॉलोइंग की बात करें तो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से वे कम नहीं हैं। इंस्टाग्राम पर अंकिता के 1,51,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बने मुश्किल से 1 साल ही हुआ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।